दोस्तों सामने जो गाड़ी खड़ी है ये टाटा की सबसे कम बजट के अंदर आने वाली कार है। अगर आप कोई सेफ्टी कार ढूंढ रहे हैं ना कि कम बजट है लेकिन आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए तो यहाँ पे भाई ये गाड़ी आप देख सकते हो। कितने का आ रहा है अभी बताऊंगा और क्या क्या इसमें फीचर्स आ जाते हैं वो भी बताऊंगा। और ये जो गाड़ी है ना एक फैमिली हैचबैक के तौर पर देखेंगे तो एक बेस्ट कार यहाँ पर मिलती है। तो क्या क्या इसमें फीचर्स आ रहे हैं, कौन सा वेरिएंट है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके मॉडल के नाम से बता देता हूँ। तो ये जो मॉडल है टियागो करके आता है, टियागो का सबसे बेस मॉडल है यानी XE मॉडल है। और इसमें क्या क्या मिल जाता है, सबसे पहले गाड़ी का कीज से स्टार्ट करते हैं। तो बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको जो है मैनुअल की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर की मिलता है, देख सकते हो आप। इधर एक साइड में टाटा का लोगो है। तो कार की जो है कीज़ हो गया और इसका जो है लुक देखिए आप, यहाँ पे जो है गाड़ी का जो लुक बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया लगता है। देखो एग्रेसिव सा लुक यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे ये ग्रिल देखेंगे ना आप, ये बेस मॉडल है लेकिन फिर भी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर देखो टाटा का जो है लोगो ये यहाँ पर नया हो चुका है, एकदम चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम लाइनिंग मिलता है। भाई कौन से बेस मॉडल में आपको ये मिलेगा बताओ, क्रोम लाइनिंग यहाँ पे सामने दे दिया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग दिया है, आप चाहे तो बाद में लगवा सकते हो। और ये वाला पोर्शन देखो भाई पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ज़बरदस्त है। और सपने सामने यहाँ पे देखेंगे तो एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ग्रिल अलग से यहाँ पे मिल जाता है कार के इंजन को ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे जो है हेडलाइट्स की बात करेंगे तो हेडलाइट जो है यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिलता है। अंदर जो है छोटा सा पायलट लैम्प दिया गया है, देख ही सकते हो आप। और यहाँ पर जो है हैलोजन बल्ब में ही टर्न इंडिकेटर मिलता है। तो ये था कार का जो है फ्रंट का प्रोफाइल। अब आते हैं कार के साइड प्रोफाइल में। तो साइड से अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कार यहाँ पे डिज़ाइन के साथ मिलता है। और गाड़ी का जो है डायमेंशन आपको बता देता हूँ, 3765 mm कार की जो है ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। कार की जो है चौड़ाई है वो 1677 mm यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और कार के जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 1535 mm मिलता है। यहाँ पर जो है गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 170 mm का यहाँ पर मिल जाता है। वहीं इसके टायर की तरफ देखेंगे तो टायर यहाँ पे स्टील रिम के साथ यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो आप। और जो प्रोफाइल है वो 155/80R13 का यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, चार नट के साथ है। यहाँ पे देख सकते हो ये हब कैप यहाँ पे मिलता है प्लास्टिक टाटा का यहाँ पे लोगों के साथ। टर्न इंडिकेटर फेंडर पर आता है, हैलोजन बल्ब के साथ है। ORVM मैनुअल एडजस्टेबल मैनुअली फोल्डेबल यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि बेस मॉडल है। ब्लैक कलर के ही यहाँ पर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से देखो साइड प्रोफाइल। अब यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो फ्यूल टैंक यहाँ पे 37 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया सा। अब आते हैं कार के रियर में। तो रियर देखो बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ यहाँ पे कार का रियर प्रोफाइल यहाँ पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। टियागो की यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर की होल दिया गया है। यहाँ पर टेल लाइट्स देखेंगे तो टेल लाइट्स यहाँ पर प्रॉपर हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर मिलता है। ब्रेक लाइट्स जो है यहाँ पर हैलोजन बल्ब में है। ये रहा इसका टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप यहाँ पर दिया जाता है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, एक दो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाता है। प्लेन ग्लास, हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है, बढ़िया सा। तो ये था कार का जो है ओवरऑल रियर प्रोफाइल। बाकी टाटा का जो लोगो है इसके नीचे यहाँ पर छुपा हुआ है, देख सकते हो नया वाला एकदम। अब अंदर चलते हैं बूट के तरफ। तो बूट जो है दो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन करने के लिए, एक की के तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो, दूसरा जो है अंदर से भी इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने पास की है तो की से ओपन करता हूँ। तो ये था इसका बूट। बूट की बात करेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, बढ़िया सा 242 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, बढ़िया है। यहाँ पर हुक दिया है अलग से, देख सकते हो 3 kg यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, पार्सल ड्रेस में नहीं आता है बट लगवा सकते हो, हुक दिया हुआ है। तो ये था इसका बूट के बारे में। बाकी रिफ्लेक्टर यहाँ पे हो गया, स्टेपनी देखेंगे इसके नीचे ही मिलेगा। और जो प्रोफाइल है वो 155/80R13 सेम साइज़ का यहाँ पे स्टील रिम मिल रहा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, देख सकते हो, करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50 लाख कार इन्होंने बेच दी है 25 साल में, उसका सेलिब्रेशन टैग है। अब अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ इसमें आपको सेंटर लॉकिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर लॉक करोगे ना तो केवल ये वाला डोर लॉक होगा। आपको सेंटर लॉकिंग यहाँ पे लगवाना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल बिना सेंटर लॉकिंग के कोई भी काम नहीं होता है, सेंटर लॉकिंग ज़रूरी हो जाता है, तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप तो डोर यहाँ पर बढ़िया सा मिल जाता है, ज़बरदस्त सा डोर हैंडल हो गया। यहाँ पर जो पावर विंडो है यहाँ पर नहीं मिलता है, वो मैनुअली विंडो यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हो। और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दिया है, स्पीकर नहीं आता है, बेस मॉडल है। न्यूज़पेपर होल्डर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, कुछ इस तरीके से कार का जो है डोर यहाँ पे मिल रहा है।
अब यहाँ पे अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से कार का जो है सीट मिल जाता है, प्रॉपर फैब्रिक में ही यहाँ पे मिलता है। कुशनिंग बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट की, रियर की जो है वो फिक्स आ रही है। अब यहाँ पे अंदर बैठते हैं, फिर गाड़ी के जो है अंदर का जो क्या क्या मिल रहा है वो आपको दिखाते हैं। अंदर मैं बैठ चुका हूँ और इसका इंटीरियर देखो, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे स्टेयरिंग सबसे पहले दिखाते हैं, स्टेयरिंग देखो डी कट के साथ यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है। इधर जो है हॉर्न वाले फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, बाकी कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं मिलता। ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे बेस मॉडल है फिर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल रहा है, बढ़िया। टाटा का लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। इधर जो है स्टेयरिंग जो है भाई देखो, बेस मॉडल है, टिल्ट स्टेयरिंग मिल रहा है, क्या बात है। इधर जो है वाइपर वाले फंक्शन दिया गया है, इस साइड में जो है हेडलाइट का फंक्शन है। और क्लस्टर देखो, एक बार ऑन कर लेते हैं तो ये देखो भाई, बढ़िया सा यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है। और सारा इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इधर से जो है आप देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो है इस साइड वाला जो बटन से है वो आप यहाँ पे टाइम वगैरह है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक। बाकी यहाँ पे देखो एवरेज भी शो कर रहा है और जो स्पीड है वो यहाँ पे शो करेगा, आरपीएम इस साइड में शो करता है इधर। तो ये था क्लस्टर के बारे में। अब यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे नहीं आता है, इसके लिए ब्लैंक छोड़ दिया है, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ सकता है या फिर आप शोरूम से भी लगवा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे आप तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे मिल रहा है, एसी वेंट के चारों तरफ बढ़िया लग रहा है और कूलिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे मैनुअल एसी मिल रहा है, बढ़िया सा। बाकी यहाँ पे भी स्पेस है, फ़ोन अगर आप रखना है तो यहाँ पे फ़ोन रख के नॉर्मली गाना बजा सकते हो। इधर जो है अपने 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाता है। ट्रांसमिशन यहाँ पे देखेंगे तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है, एक रिवर्स के साथ। लेदर फिनिशिंग यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। हैंड ब्रेक क्रोम टॉप के साथ मिल रहा है, देखो कप होल्डर हो गया इस साइड में, इस साइड में। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, टैबलेट होल्डर के साथ, बढ़िया है। IRBM सिंपल वाला यहाँ पे मिल जाता है, टिकट होल्डर के साथ है। यहाँ पे सनवाइज़र यहाँ पे देखेंगे तो प्लेन सनवाइज़र यहाँ पे दिया गया है। तो ये है कार का जो है फ्रंट का कैबिन। अब एक बार रियर कैबिन भी दिखा देता हूँ आपको। रियर वाला डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, देखो। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी मैनुअल विंडो मिलता है। इधर डोर लीवर हो गया, स्पीकर के ग्रिल यहाँ पे दिया गया, स्पीकर नहीं आता है, बॉटल होल्डर हो गया। और इस साइड में देखेंगे इसका सीट तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, बढ़िया है। कुशनिंग बहुत अच्छा है। अंदर का स्पेस आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पेस मिलेगा। ये जो है सीट बहुत और आगे हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो स्पेस मिल जाता है, बढ़िया सा। थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, हेडरूम भी बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइट भी यहाँ पे मिल जाता है जो कि LED में है, बाकी यहाँ पे स्पेस वैसा ही। सीट बैक पॉकेट कहीं पे भी नहीं मिलता, ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा दोनों तरफ। तो ये था कुछ इसका अंदर का माहौल। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन यहाँ पे कौन सा मिलता है, कम प्राइस में तो मिल रहा है, इंजन कौन सा है। तो इंजन के लिए यहाँ पे बोनट जो है यहाँ से ओपन होता है, तो ये देखो इसका इंजन 1.2 लीटर का यहाँ पे रेवोटॉर्न इंजन आता है, बढ़िया है। यही इंजन आपको टॉप मॉडल में भी मिलता है, सेम इंजन है, कोई भी अंतर नहीं है। इसमें 84 BHP का पावर यहाँ पे मिल जाता है और 113 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। और ये जो इंजन इतना पावरफुल के साथ भी आपको यहाँ पे 20 KMPL का माइलेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, बाकी जो है आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे चलाते हैं, कैसे निकालते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इसकी कीमत कितने में ये आ रही है। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बताया है, ये आपको मिल सकता है मात्र 5,65,000 रुपये में, है ना, बढ़िया। मतलब मात्र 5,65,000 रुपये में आपको एक फैमिली हैचबैक कार यहाँ पे मिल जाती है, जो कि 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, एयरबैग तो आपको बताया नहीं, यहाँ पे 2 एयरबैग मिलता है इसमें फ्रंट में जो मिल रहा है, लेकिन इसमें 4-स्टार सेफ्टी ज़रूर मिल जाती है। तो 4-स्टार भी कम नहीं होता है, बढ़िया सेफ्टी है, ज़बरदस्त कार है, बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया माइलेज ये कार मिलती है। आपको कैसी लगी कार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।